चैनल इंग्लिश कैंडल। आज इस लेक्चर में हम देखते हैं टेंस पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें क्लियर हो कि कोई एक काम था, किसी व्यक्ति ने किया, पास्ट में किया, वहीं ख़त्म हो गया, बात ख़त्म। जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो स्कूल जाने का काम कल हुआ, वहीं पर ख़त्म हो गया। एकदम एब्सोल्यूट पास्ट दिखना चाहिए कि पास्ट में हुआ। तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे इसके सेंटेंसेस बनते हैं, क्या इसके रूल्स हैं और क्या एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दिल्ली गया था, आई। अब जाना मतलब कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो सेकंड फॉर्म लगेगी आई वेंट। कहाँ गया था? टू दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। अगर बताना है कब गया था तो हम बता सकते हैं कि यस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं कल दिल्ली गया था, ये टू इसकी प्रीपोजिशन है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। अगर हम ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा और ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान टेंस है ये वाला, सिंपल पास्ट। डिड का यूज़ करते हैं क्योंकि डिड जो है वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट को शो करती है। अगर सेंटेंस में डिड है इसका मतलब पास्ट है, तो फिर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट, फिर हम गो लगाएंगे। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। हमने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो डिड का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हम डिड को स्टार्टिंग में रखते हैं, सॉरी, और आई को आगे, सब्जेक्ट को आगे, डिड आई। तो ये सेंटेंस जो बनेगा ये क्या वाला बनेगा? डिड आई गो टू दिल्ली, और ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या वाला? डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख दिया। और सेम इसी पैटर्न पे, जैसा कि हर टेंस में यही करते हैं, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था, अगर हम इसमें ये कह दें कि मैं दिल्ली क्यों गया था, तो हमें एक WH वर्ड और चाहिएगा, वाई। तो हमने यहाँ पर वाई यूज़ किया। यानी सब टेंसेज में ऐसे ही होता है। हमने देखा सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है नेगेटिव बनाया, ये ओपन क्वेश्चन है और ये क्लोज्ड क्वेश्चन है। नेगेटिव, ओपन और क्लोज्ड, इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप डिड यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। सिर्फ अफर्मेटिव जो फर्स्ट टाइप है इसकी, वो बनाने के लिए आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाकी इन तीनों में डिड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओके, इसको नोट करते हैं, फिर हम एक तरीके से इसके रूल लिखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं इसके रूल्स तरीके से कि क्या रूल्स हैं। इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में, हम चार तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन। अफर्मेटिव का रूल है कि सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म यूज़ करें, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आकर के फर्स्ट हो जाएगी और साथ में डिड का यूज़ होगा, डिड नॉट। उसके बाद यहाँ भी डिड का यूज़ है और यहाँ भी डिड का यूज़ है, सिर्फ यहाँ डिड का यूज़ नहीं है, ये समझ लें।
और यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी इन सब में फर्स्ट। उसके बाद जब ओपन क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में कर देते हैं और सब्जेक्ट को आगे कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड शुरू में आ जाएगी, डिड आया है इसलिए वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही लगेगी। ये ऑप्शनल है। अगर आप अपने क्वेश्चन को, जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं क्या वाला, जो क्या से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होती है, तो क्या वाला क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, अगर आपको वो लगता है कि नेगेटिव बनाना है तो आप नोट रखें इस प्लेस पर यहीं, और अगर लगता है नहीं नेगेटिव नहीं है तो आप नोट को हटा सकते हैं। तो डिड सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगाना है लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या वाला प्रश्न बना, जो क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। क्लोज क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी की तरह होता है, सेम, डिड रखा है, सब्जेक्ट रखा है, नोट रखा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या से स्टार्ट नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा और इस सेंटेंस का जो आंसर होता है उसको यस में या नो में देना संभव है। जैसे क्या वह दिल्ली गया था, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ या ना। तो जितने भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस में या नो में देना पॉसिबल होता है। इसीलिए इन सेंटेंसेस को, जो ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चंस को हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। जो क्लोज क्वेश्चंस होते हैं ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद का जो आगे का जो फॉर्मेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉर्मेट सेम होता है, सिर्फ एक WH वर्ड एक्स्ट्रा आता है। WH वर्ड अगर आ जाता है तो ये क्लोज क्वेश्चन हो जाता है, फिर इसकी हिंदी क्या से स्टार्ट नहीं होगी और इसका आंसर भी हम यस में या नो में नहीं कर सकते। जैसे वह दिल्ली क्यों गया था, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि क्यों गया था, तो ये यस नो में आंसर नहीं होगा। तो ये हमने देखे अफर्मेटिव नेगेटिव ओपन और क्लोज क्वेश्चंस का, इसका रूल क्या है, ये सेंटेंस इस टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा, और चारों तरह के सेंटेंस इस टेंस के कैसे बनेंगे, ये उसके रूल हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी बात और क्लियर हो। नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आई के साथ बनाए हैं, चारों टेंस में, सॉरी एक टेंस के चार तरह से सेंटेंस बनाए हैं। ये अफर्मेटिव है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। फिर ये नेगेटिव बनाया है, आई डिड नॉट, तो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया था। डिड स्टार्टिंग में आ गया है तो ये क्वेश्चन बन जाता है, क्या वाला, डिड आई गो, क्या मैं गया था, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया था। यहाँ पे हमने WH वर्ड यूज किया है तो ये क्या वाला क्वेश्चन नहीं है। When, when means कब, when did I go to Delhi, मैं दिल्ली कब गया था। आगे देखिए she, ये teach की सेकेंड फॉर्म है taught, she taught English, उसने, किसी फीमेल की बात हो रही है, she taught English, उसने इंग्लिश पढ़ाई थी। She did not teach English, जब हमने did का यूज़ किया, क्योंकि did past को शो करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। She did not teach English, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाई थी। Did she teach English, क्या उसने इंग्लिश पढ़ाई थी, ये क्या वाला क्वेश्चन बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। When did she teach English, बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट है, उसी डिजाइन में है, और स्टार्टिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आया है, वैन, वैन मीन्स कब, तो कब की इंग्लिश लगेगी और सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, इसमें से कोई भी टेंस हो, 12 में से कोई भी टेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। वैन डिड शी टीच इंग्लिश, उसने इंग्लिश कब पढ़ाई थी, इस वर्ड की हिंदी आएगी, उसने इंग्लिश कब पढ़ाई थी। यहाँ पर एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, ये दे मीन्स वे, वॉच मीन्स देखना, मूवी देखना, कोई चीज़ देखना, ध्यान लगा के देखना, उसको वॉच कहते हैं। दे वॉच्ड अ मूवी, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, उन्होंने एक मूवी देखी थी।
डिड नॉट यूज हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, उन्होंने एक मूवी नहीं देखी थी। डिड स्टार्टिंग में आ गया है तो क्या वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्या और फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। जब भी डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डिड आया है फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे डिड नहीं है सेकंड फॉर्म यूज होगी। डिड दे वॉच अ मूवी, क्या उन्होंने एक मूवी देखी थी, पास्ट की बात है। व्हाई डिड दे वॉच अ मूवी, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया है तो ये क्लोज क्वेश्चन हो जाता है, क्लोज क्वेश्चन है तो इसकी हिंदी आएगी क्यों, उन्होंने एक मूवी क्यों देखी थी। व्हाई डिड दे नॉट वॉच अ मूवी, ये हम सेंटेंस इसी को हमने नेगेटिव किया, ये भी क्लोज क्वेश्चन है, ये भी क्लोज क्वेश्चन है डब्ल्यू एच वर्ड से। हमने जहाँ बताया था अभी पीछे उसमें मैंने बताया था कि नॉट जो है वो ऑप्शनल है, या उसका प्लेस वो है, आप चाहें तो लगाएं चाहें तो ना लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो ये वाला सेंटेंस बनेगा, व्हाई डिड दे वॉच अ मूवी, उन्होंने एक मूवी क्यों देखी थी, और व्हाई डिड दे नॉट वॉच अ मूवी, उन्होंने एक मूवी क्यों नहीं देखी थी। तो नोट लगाने से नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही क्लोज क्वेश्चन है। आई होप के समझ आया होगा। अभी और एग्जांपल्स लेते हैं रैंडम, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। माई फादर डाइड लास्ट ईयर, यहाँ पर डी आई ई डाई, डाई मीन्स मरना, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है माई फादर, मेरे पिताजी लास्ट ईयर मरे थे, माई फादर डाइड लास्ट ईयर, पास्ट की बात है इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। यहाँ पर नेहा की बात हो रही है, गो की सेकेंड फॉर्म लगी है वेंट, नेहा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, नेहा कल स्कूल गई थी, सेकेंड फॉर्म लगी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। डिड स्टार्टिंग में आ गया है, मतलब क्या वाला प्रश्न है, क्या वाला क्वेश्चन बन जाता है। डिड यू, यू की बात हो रही है, डिड यू, क्या तुम वॉच करना मूवी को यस्टरडे, क्या तुमने एक मूवी कल वॉच की थी, सेंटेंस पास्ट का हो गया, डिड स्टार्टिंग में है, पास्ट का सेंटेंस है, डिड स्टार्टिंग में, इसलिए क्या से इसकी हिंदी बनेगी, ओपन क्वेश्चन बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दे की, और डिड नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, दे डिड नॉट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे डिड नॉट टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, दे मीन्स वे, दे डिड नॉट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, दे डिड नॉट टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते। वैन डिड यू गो देयर, यहाँ पर हमने डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ किया है, वैन मीन्स कब, डिड लगा है, पास्ट का सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट, यू की बात हो रही है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यूज़ की है, वैन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए थे, पास्ट हो जाएगा थे क्योंकि डिड यूज़ हुआ है, वैन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए थे, तो क्लोज क्वेश्चन हो जाता है। फिर डिड आया है स्टार्टिंग में, यानी सिंपल पास्ट है, और इसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होगी, डिड शी इन्वाइट यू, इन्वाइट यहाँ पर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगी है इन्वाइट की, सेकेंड इन्वाइटेड, डिड शी इन्वाइट यू, डिड शी इन्वाइट यू टू हर पार्टी, क्या उसने इन्वाइट किया था तुम्हें, टू हर पार्टी, उसकी पार्टी में उसने इन्वाइट किया था, क्वेश्चन होगा कैसे हिंदी होगी। यहाँ बात कर रहे हैं नेहा की, और बिकम की सेकेंड फॉर्म लगी है बिकेम, ए बिकेम, ये सेकेंड फॉर्म है, बिकम मतलब होना, नेहा बिकेम अ डॉक्टर, बिकम मतलब होना, बिकेम हो गई थी, नेहा बिकेम अ डॉक्टर, नेहा एक डॉक्टर हो गई थी, नेहा एक डॉक्टर बन गई थी एट द एज ऑफ 26, 26 साल की उम्र में वह डॉक्टर बन गई थी। तो हमने ये सेंटेंसेस देखे सिंपल पास्ट के, एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप नोट कर लें। आई होप कि आपको समझ आया होगा सिंपल पास्ट टेंस, इसके रूल्स।